अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर 4। हम लूप्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं और तीन तरह की लूपिंग स्टेटमेंट्स भी हमने देखी हैं, फॉर वाइल और डू वाइल। और आज जो हमारा लूप्स पे लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम दो तरह की लूप्स को कंट्रोल करने की स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, इनको देखेंगे। इसमें ये एक्चुअली लूप को कंट्रोल करती हैं। यू कैन एक्चुअली एग्जिट योर लूप फ्रॉम बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स और यू कैन स्किप सम लूप आइट्रेशन। ठीक है, तो ये बार ये कंट्रोल लूप को कंट्रोल करने की जो है वो स्टेटमेंट्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। और इसी के कंटेक्स्ट में हम एक फ्लैग कंट्रोल लूप का बड़ा यूजफुल पैटर्न है। ये आप इसको लूप की एक अलहदा टाइप तो नहीं कहना चाहिए, ये आप इसको जनरल कंडीशनल लूप जो हमने पीछे डिस्कस किया उसी की एक कह लें कि स्पेशल केस समझ लें इसको। बट ये है कि इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट जो पढ़ेंगे इसकी हम एप्लीकेशन भी देख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा एक कॉमन प्रोग्राम लूप पैटर्न है, तो लूप को यूज़ करने का एक बड़ा यूजफुल पैटर्न है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे और फिर इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिर कुछ कॉमन लूप एप्लीकेशन हैं, 5 मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन मैंने आइडेंटिफाई की हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि वो अगर आपने इंप्लीमेंट करनी हो अपने एप्लीकेशन के अंदर तो उसका जनरल फॉर्मेट क्या है, सो दैट कि आप उसको अडॉप्ट कर सकें अपनी एप्लीकेशन के लिए। तो ये आज के टॉपिक की आउटलाइन है, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, यानी ये लूप के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ब्रेक इज़ यूज टू गेट आउट ऑफ द लूप, ठीक है, ये लूप से एग्जिट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। एंड कंटिन्यू इज यूज टू स्किप वन आइट्रेशन ऑफ द लूप। इनकी अपनी अपनी सिनेरियोस हैं जहाँ पे ये यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट की खासतौर पे हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखेंगे विच इज़ फ्लैग कंट्रोल लूप। ठीक है, तो ये इसका भी हम पैटर्न देखेंगे ये कैसे यूज़ होता है, which is quite useful in many applications. So details हम अभी देखते हैं आगे। So पहले हम continuous statement को देख लें। It is always used inside the loop. एक तो बात ये याद है कि ये हमेशा loop के अंदर use होती है। इसके बरक्स आगे हम देखेंगे कि जो break statement है ये loop के अंदर भी use हो सकती है, इसके अलावा switch statement के अंदर भी ये use की हुई है आपने पहले। So करती क्या है ये continuous statement? It skips current loop iteration. स्किप्स से क्या मुराद है कि जहाँ पे भी ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगी तो ये जो है वो इस उसके नीचे वाला जितना कोड होगा वो सारा स्किप करेगा और लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन जो है वो इस पे वो रन करेगा। टेक्स कंट्रोल ऑफ द नेक्स्ट आइट्रेशन। इट्स वेरी यूजफुल इफ़ वी वॉन्ट टू स्किप सम कोड इन लूप बॉडी बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो एक्चुअली होता ऐसे ही है कि जो है वो किसी कंडीशन के अंदर आप जो है वो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू देन कंटिन्यू, मीन्स के जो है वो करंट आइट्रेशन आप स्किप करें और अगली आइट्रेशन पे मूव कर दें। क्योंकि अगर तो आप ये अनकंडीशनली रख देंगे लूप के अंदर तो फिर इसका मतलब है कि जहाँ पे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज हुई है उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स तो स्किप हो जानी है, तो फिर बाद वाली स्टेटमेंट तो लिखने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आमतौर पे जो स्टेटमेंट कंटिन्यू वाली है ये हमेशा किसी इफ कंडीशन की के अंदर आती है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर हम ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आगे आ रही है। अच्छा, ये एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिर्फ प्रोग्राम है छोटा सा, ज़्यादा इसका मतलब कोई वो प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। जिसमें आप क्या करें, एक्चुअली काउंटर कंट्रोल लूप है विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गोज अनटिल 9 और सिंपली वो नंबर को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, ये जो इसमें पार्ट है ये वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए जो है वो रन होने के लिए ये कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर लिखा गया इफ़ ए इज इक्वल टू 5 तो कंटिन्यू। ठीक है, दिस मीन्स के ये लूप का फ्लो क्या होगा, ये जब ए की वैल्यू 1 होगी इट विल बी दिस कंडीशन विल बी वैल्यूएटेड 1 लेस देन इक्वल टू 9 विच इज ट्रू, तो फिर जो है वो 1 ये कंडीशन चेक होगी इफ 1 इज इक्वल टू 5 तो जो कि फॉल्स है इसका मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। सिमिलरली जो है वो अब नेक्स्ट आइटरेशन में जाएगा तो ये इसको 2 कर देगा। ठीक है, और फिर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू, फिर ये 2 इज इक्वल टू 5 कंडीशन चेक होगी लाइन 5 पे और ये स्टिल फॉल्स है, फिर ये डिस्प्ले कर देगा। ये चलता जाएगा जब तक ए की वैल्यू 5 नहीं हो जाएगी। जब ए की वैल्यू 5 होगी तो फिर ये कंडीशन ट्रू होगी आपकी। ठीक है,
तो आप फिर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलाएंगे। एज सुन एज द कंटिन्यू स्टेटमेंट रन्स, अब इसने क्या करना है, इसने जो वो फ्लो सीधा यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, यानी अगली इटरेशन के अंदर इसने स्किप कर देना है इस स्टेटमेंट को। अब इस केस में ये स्किप कर देगा लाइन नंबर 7 को। तो यही हमने कहा था कि कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप में जहाँ भी यूज हो उसके नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स स्किप हो जाती हैं। सो फिर आगे आपका ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी, फिर 9 होगी। तो इनमें से कोई कंडीशन भी फिर दोबारा ट्रू नहीं होगी, ये वाली कंडीशन कभी दोबारा ट्रू नहीं होगी। तो इसलिए इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि 1 2 3 4 और फिर 5 स्किप हो जाएगा और फिर 6 7 8 9। तो ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रोग्राम, अदरवाइज ये कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा प्रोग्राम कि सिर्फ आपने 5 को स्किप करवाना है। तो इसलिए आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया है। बहरहाल ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो एक खास सिनेरियो के अंदर आप एक खास कंडीशन के ऊपर बेस करके आप जो है वो लूप की प्रोसेसिंग स्किप करना चाहते हैं और अगली इटरेशन पे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम अगली जो है वो एग्जांपल में इसकी एग्जांपल जो प्रोग्राम आ रहा है इसमें हम इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट की यूटिलिटी नज़र भी आएगी। इसमें आपने एक प्रोग्राम लिखना है विच अलाउज द यूज़र टू मल्टीप्लाई ए प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि वो इनपुट करेगा एक्सेप्ट द जीरो वैल्यूज, यानी वो जीरो वैल्यू भी इनपुट कर सकता है, वैल्यू तो वो कोई भी इनपुट कर सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। सो आपने मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स को, मे बी प्री स्पेसिफाइड से मतलब मे बी पहले पूछना है 10 वैल्यूज हैं, 15 हैं, कितनी हैं, तो ये आपने काम करना है। तो ये आपको जीरो को आपने स्किप करना है, ठीक है, तो जीरो की प्रोसेसिंग आपने नहीं करनी। सो इसके लिए जो है वो कुछ इस तरह का आउटपुट होगा। ये लेट्स से आपने पहले पूछ लिया 5 इनपुट्स करवाने हैं, उसने एंटर किया 12 2 3, जीरो भी एंटर किया है। यू नो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ जीरो आउट हो जाएगा, सो वी डोंट वांट टू मल्टीप्लाई बाई दिस जीरो, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये प्रोडक्ट आ रही है, तो ये हम एंड पे शो कर रहे हैं। इसका प्रोग्राम का कोड अगर आप देखें तो सिंपल जो है वो प्रोडक्ट का कोड है। जैसे ये देखें आप, ये प्रोडक्ट एक्चुअली ये इधर ये 1 से जो है वो इनिशलाइज होगी, ठीक है। इसको प्रोडक्ट को पहले हमने 1 से इनिशलाइज कर देना है, फिर आप लूप जो है वो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स 4 5 टाइम्स चलाया हुआ है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं, बहरहाल हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। और ये हम नंबर इनपुट करवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या वो नंबर जीरो है। अगर जीरो है तो हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू से मतलब है कि अगली जो ये आगे जो कुछ भी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आगे क्या है वो एक्चुअली वही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर को, ठीक है। प्रोडक्ट दिस स्टेटमेंट मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन टू नम, यानी ये वो एक्यूमुलेट कर रहा है प्रोडक्ट जो है वो जो प्रोडक्ट को साथ साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ठीक है। सो अगर जीरो होगा तब मल्टीप्लाई नहीं करेगा, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो एंड पे जब आपका लूप खत्म होगा तो आप उसको शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिकल जो है वो यूटिलिटी आपने इस एप्लीकेशन इस एग्जांपल में देख ली। अब आगे चलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। सो ब्रेक कीवर्ड या ब्रेक स्टेटमेंट इट इज यूज इनसाइड ए लूप एज वेल एज स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। आप पहले भी इसको यूज कर चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट जो है वो सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट कर देती है एज सून एज ये एग्जीक्यूट होती है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू प्री मेच्योरली, यहाँ पे हमने इसको जो है वो एम्फोसाइज किया हुआ है, प्री मेच्योरली हम एग्जिट करना चाहते हैं फ्रॉम द लूप बेस्ड ऑन सम कंडीशन। अब क्वेश्चन ये है कि लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम ब्रेक यूज कर रहे हैं, तो लूप तो वैसे भी टर्मिनेट हो जाता है जब उसकी कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप तो टर्मिनेट हो जाएगा। बट समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस वेयर वी वांट टू टर्मिनेट द लूप प्री मेच्योरली, यानी अभी लूप जो है वो उसकी जो टर्मिनेशन कंडीशन है वहाँ तक आप नहीं पहुँचे होते। जैसे एक काउंटर कंट्रोल लूप होता है उसमें आपको पता है कि काउंटिंग हो रही होती है, लेट्स से 1 से 10 तक, तो 1 से शुरू होते हैं आप 2 3 4 इस तरह से आप 10 तक जाते हैं, लेकिन मे बी इन बिटवीन कोई 7th या 6th आइट्रेशन पे आप जो है वो इसको टर्मिनेट करना चाहते हैं लूप को ड्यू टू वट एवर रीजन, तो फिर आप जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ लूप, ठीक है। सो आगे हम जब फ्लैग कंट्रोल लूप देखेंगे तो वहाँ पे आप इसको आपको इसकी एप्लीकेशन बकायदा नजर आएगी प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ लूप की। अच्छा, इस तरीके से ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जो हमने पीछे जो वो कंटिन्यू स्टेटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ की। यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि सिर्फ जहाँ पे कंटिन्यू यूज़ हो रहा था वहाँ पे हमने ब्रेक यूज़ कर लिया। तो जैसे ही ए की वैल्यू 5 होगी आपका लूप एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि ये आपका आउटपुट कुछ इस किस्म का होगा 1 2 3 4, और जैसे ही 5 आया तो आपका लूप एग्जिट हो गया। इसकी जो है वो प्रैक्टिकल अगर थोड़ी सी यूटिलिटी देखें।
देखते हैं, तो इस प्रोग्राम में हम देख लेते हैं जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं। वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम व्हिच अलाउज द यूजर टू कंप्यूट एन एवरेज ऑफ प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमने एवरेज कंप्यूट करने, पहले पिछला जो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट कब की एग्जाम्पल देखी थी, एग्जाम्पल प्रोग्राम देखा था, उसमें हम प्रोडक्ट ले रहे थे। यहाँ पे हम एवरेज ले रहे हैं प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वैल्यूज का, ठीक है। बट ये हो सकता है कि इन बिटवीन दिस इनपुट इफ यूजर एंटर्स ए नेगेटिव नंबर, इसी दौरान अगर यूजर एक नेगेटिव नंबर एंटर कर देता है, द प्रोग्राम शुड स्टॉप टेकिंग एनी मोर इनपुट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि प्री स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तो आपने चलना ही है। जैसे फर्स्ट करें कि हम कहते हैं कि 10 वैल्यूज हमने इनपुट करवाने, तो 10 टाइम्स तो आपने चलना है, लेकिन ड्यूरिंग दीज 10 आइट्रेशंस अगर दरमियान में कहीं यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर कर देता है, तो आप लोग को वहीं पे एग्जिट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एवरेज पॉजिटिव वैल्यूज को लेना चाहते हैं, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज का हम एवरेज नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो इसका कुछ इस किस्म का होगा, ठीक है। बाय द वे, ये चीज आप जो है वो सेंटिनल कंट्रोल लूप के जरिए भी कर सकते हैं, ये जो -1 यहाँ पे है, लेकिन उस केस में फिर आपकी लूप की कंडीशन कम्प्लेक्स हो जाएगी। उस केस में ना आपका ये काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल कंट्रोल का मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। सो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं भी आगे बताऊंगा जब मैं कोड इसका दिखाऊंगा कि आप इसको सेंटिनल कंट्रोल लूप के साथ अगर कंबाइन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बहरहाल हम इसको ब्रेक के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वो कैसे अभी हम देखते हैं। इसमें बहरहाल देख लें कि जो है हम इनपुट करते जा रहे हैं जब तक यूजर ने -1 नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि वो -1 ना करें, इनपुट पॉजिटिव वैल्यूज ही सारी इनपुट कर दे, तो जैसे ही 7 वैल्यूज कंप्लीट हों आपका उसके बाद एवरेज शो हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों केस में आपका लूप टर्मिनेट हो सकता है। इस केस में ये जो अभी आपको नजर आ रहा है, इसमें प्री मेच्योरली लूप आपका टर्मिनेट हुआ है। 7 इनपुट्स हमने कही थी हमने देनी है, तो 7 आइट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन प्री मेच्योरली आपका टर्मिनेट हो गया बिकॉज यू हैव एंटर्ड -1, तो ब्रेक के जरिए आप बाहर आ सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका कोड। जी, ये पिछली जो एग्जांपल उसका कोड है, तो आप देख रहे हैं कि लूप आपका 1 से n तक चल रहा है, यानी n टाइम्स चलेगा ये, ठीक है। और लूप में क्या हो रहा है, आप इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू, ठीक है, उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कहीं के वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव है तो आपने ब्रेक करवा देना है, यानी आपने लूप से बाहर आ जाना है। एंड बाय द वे, ये जो स्टेटमेंट अगली है sum+num, ये एक्चुअली जो है वो 10th स्टेटमेंट है, ये अगली लाइन पे जानी थी, मैंने जगह बचाने के लिए इसको साथ ही लिख दिया, लेकिन इस इफ कंडीशन के साथ सिर्फ इस वक्त ये ब्रेक स्टेटमेंट अटैच्ड है, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ये मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इफ, इफ की ये जो कंडीशन है उससे इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये इसने चलना ही चलना है। तो एनीवेज, अगर तो आपकी नंबर वैल्यू जो इनपुट हुई है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर तो ठीक है, फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, आपका सम या वो होता जाएगा एक्यूमुलेट। अदरवाइज फिर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आएगी आप यहाँ से बाहर आ जाएगी। और एंड पे आप क्या कर रहे हैं, जरा ये स्टेटमेंट देखें, एवरेज इक्वल सम डिवाइडेड बाय i-1। ये i-1 हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर आप गौर करें यहाँ पे i आपका काउंटर था, ठीक है, i ही आपका ट्रैक रख रहा था कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी एंटर हुई हैं, ठीक है। सो इसलिए हम जो है इसको i जो है वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं फॉर जो है वो डिवाइडिंग। ओके, सो ये फ्लैग कंट्रोल लूप इट्स ए क्वाइट यूजफुल प्रोग्राम पैटर्न, ठीक है। इसको हम अभी देखते हैं कि ये क्या है, किस किस्म के सिनेरियो में यूज़ करते हैं फ्लैग कंट्रोल लूप, आपने डिज़ाइन करना हो तो कैसे करते हैं। ये एक्चुअली उस तरीके से लूप की लेदर टाइप नहीं है, ये आप समझ लें कि लूप की का एक यूजेज पैटर्न है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने वो पहले 5 टाइप्स देखी है ना लूप की, कंडीशनल की 4 और काउंटर कंट्रोल लूप, ये उस तरीके से एक अलहदा लूप नहीं है। मतलब एक फ्लैग कंट्रोल लूप जो है वो सेंटिनल लूप के साथ भी यूज हो सकता है, और जो है वो किसी और टाइप के लूप के साथ भी यूज हो सकता है। बहरहाल ये जो है वो एक जो है वो लूप का यूजेज पैटर्न है, ठीक है। और इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट भी देखेंगे, आपको यहाँ पे नजर आएगी ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती हुई। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन सम एप्लीकेशंस यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ सम इवेंट, ये ऑफ है, कीप ट्रैक ऑफ सम इवेंट इफ सम इवेंट अकर्स ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन। आप ये चाहते हैं लूप आपको चल रहा है और लूप के बाद आप जो है वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन एक सर्टन इवेंट अकर हुआ था। जब हम सर्टन इवेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी आर ट्राइंग टू चेक सम कंडीशन, कि हाँ भाई ये कंडीशन कहीं मीट हुई थी लूप के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, डिड सम एरर अकर ड्यूरिंग यूजर इनपुट इनसाइड द लूप,
आपको पता है हमने लास्ट लेक्चर जो एंड फाइल कंट्रोल लूप था वाला था उसमें हमने स्कैनएफ को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर किया था और हमने कहा था कि इट रिटर्न्स हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज सक्सेसफुली वर रेड सक्सेसफुली, ठीक है, किस इनपुट कितनी वैल्यूज सक्सेसफुली हुई हैं। तो अगर आप तीन करवाना चाह रहे थे वैल्यूज इनपुट लेकिन दो हुई हैं या एक हुई हैं तो दिस मीन्स देर वॉज सम एरर इन इनपुट, ठीक है। तो इस किस्म की कंडीशन को आप जो है वो एक फ्लैग के जरिए, एक फ्लैग कंट्रोल लूप के जरिए ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इन मैनी केसेस दिस कैन बी ट्रैक्ड बाय यूजिंग ए फ्लैग, ठीक है। सो ये फ्लैग क्या चीज़ है इसको समझने की ज़रूरत है। फ्लैग इज एक्चुअली बूलियन वेरिएबल, हमने फ्लैग यूज करना है इसी इवेंट को ट्रैक करने के लिए जिस भी इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए हम एक फ्लैग लेंगे। फ्लैग क्या है, एक बूलियन वेरिएबल है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय बूलियन, ए बूलियन वेरिएबल इज एक्चुअली सिंपल एक ये टाइप इंट वेरिएबल है, ठीक है। सी के अंदर बूलियन वेरिएबल क्या होता है, वो एक इंटीजर वेरिएबल ही होता है, लेकिन उसमें और आम इंटीजर में फर्क ये होता है कि एक बूलियन वेरिएबल के अंदर देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबल वैलिड वैल्यूज, वन एंड जीरो, ठीक है। आपको पता है ये अगर फ्लैग एक इंटीजर है तो इंटीजर में सेव तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब माइनस भी वैल्यू सेव करवा सकते हैं, 10 भी करवा सकते हैं, 100 भी करवा सकते हैं, बट आपने प्रोग्राम जो है वो उसका प्रोग्राम के सेमेंटिक्स इस तरह के होते हैं, यानी प्रोग्राम में आप इस वेरिएबल को यूज ही जो है वो उसमें वैल्यू रखवाते ही या जीरो है या वन है, ठीक है, वन या जीरो वैल्यू रखवाते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रखवाते, ठीक है। और क्यों रखवाते हैं वन या जीरो सिर्फ, उसकी वजह यह है कि एक्चुअली ये जो ट्रू फॉल्स है दे रिप्रेजेंट वेदर ए सर्टन इवेंट अकर ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन और नॉट। तो ये जो फ्लैग में अगर ट्रू पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि लूप में वो इवेंट अकर हुआ है, अगर फॉल्स पड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो इवेंट अकर नहीं हुआ, ठीक है। सो टू मच ऑफ थ्योरी, मेरा ख्याल है कि हम जब वो जल्दी एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है फ्लैग कंट्रोल लूप कब आपने यूज करना है और उसका पैटर्न क्या है, जनरल फॉर्मेट क्या है उसका, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह इसकी दो एग्जांपल्स हैं वो भी देखेंगे। सो व्हेन टू यूज, एक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि यू वांट टू टेस्ट वेदर ए सर्टेन इवेंट हैपेंड इनसाइड लूप और नॉट, ठीक है। तो फ्लैग इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इवेंट अकरेंस ड्यूरिंग लूप एग्जीक्यूशन, ये तो अभी आप हमने डिस्कस कर लिया है। एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि लूप टर्मिनेशन कंडीशन बाद बड़ी कम्प्लेक्स बन जाती है, ठीक है, वो मतलब मल्टीपल कंडीशंस मिलके कम्प्लेक्स कंडीशन बन रही होती है। सो उसको उसकी जो यूजुअल प्लेस है वहाँ पे लिखना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब लूप हेडर में लिखना थोड़ा सा ना वो अजीब सा लगता है कि वो लंबा सा जो एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इस केस में भी आपको ये जो फ्लैग कंट्रोल फ्लैग जो है वो आपको हेल्प करता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा एप्लीकेशन सिनेरियो इसका यही है, ठीक है। ये वैसे बाय द वे इसकी भी एग्जाम्पल अभी आगे आएगी। ए फ्लैग कंट्रोल लूप इज ए स्पेशल केस ऑफ जनरल कंडीशनल या इवेंट कंट्रोल्ड लूप, ठीक है। इसको आप जनरल कंडीशनल की ही एक स्पेशल टाइप कह लें, क्योंकि आप इसमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप एक इवेंट को ही ट्रैक कर रहे हैं ना, इवेंट को ही आप देखना चाह रहे हैं कि अगर हुआ या नहीं हुआ, तो उसकी जो वो कंडीशन है ना, जो कंडीशन आप इवेंट को चेक करने के लिए यूज करेंगे वो जनरल कंडीशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो है वो ये और उसमें भी आप जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे फ्लैग कंट्रोल लूप में भी आप जो है वो पहले भी एग्जिट कर सकते हैं लूप से, तो किसी वक्त भी एग्जिट हो सकता है लूप से, इसलिए आप इसको एक जनरल कंडीशन लूप का ही एक जो है ना स्पेशल केस समझें। बाय द वे जनरल कंडीशन लूप का एक और नाम भी यूज होता है विच इज इवेंट कंट्रोल लूप, तो अगर आगे कहीं हम ये यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर रेफरिंग टू द जनरल कंडीशन लूप। जनरल कंडीशन लूप बाय द वे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, द यूजुअल पैटर्न, अब हमने जो सही जिस्ट है सारे इस डिस्कशन की वो हमने इसका जनरल पैटर्न देखना है। उसका पैटर्न कुछ इस तरह से है, जब आप फ्लैग कंट्रोल लूप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो बिफोर लूप यू विल इनिशियलाइज द फ्लैग टू जीरो और वन, ये इट्स आर्बिट्रेरी, जीरो करना है या वन करना है, बहरहाल किसी एक पे आप इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और इनसाइड द लूप आप क्या करेंगे, इफ द इवेंट अकर्स इनसाइड लूप, ठीक है, टॉगल द फ्लैग वैल्यू। टॉगल से मुराद ये है कि पहले अगर आपने जीरो पे इनिशियलाइज किया था तो आप वन कर दें, पहले अगर आपने वन पे इनिशियलाइज किया था, ठीक है, तो आप जीरो कर दें, तो ये टॉगल से मुराद ये है। तो अगर आपका इवेंट अकर हुआ है लूप के दौरान, यानी किसी इटरेशन में लूप इवेंट अकर हुआ है, तो फ्लैग की वैल्यू टॉगल करें एंड ब्रेक आउट ऑफ द लूप, यहां पे आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करके लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर द लूप टेक अप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द फ्लैग वैल्यू, फ्लैग में दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स,
तो उसके मुताबिक आप एक्शन ले लें कि इवेंट, यानी इवेंट अगर हुआ था तो एक एक्शन लेना है, इवेंट अगर नहीं हुआ था दूसरा एक्शन लेना। तो ये बड़ा कॉमन पैटर्न है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सूडो कोड की फॉर्म में देख लें या कोड की फॉर्म में जनरल इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये वही देख लीजिए, इनिशियलाइज फ्लैग टू फॉल्स, यहाँ पे अज्यूम हम कर रहे हैं कि हमने उसको जीरो से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और वाइल कंडीशन, अब ये कंडीशन जो है वो आपके लूप पे डिपेंड करती है, ये वो जनरल कंडीशन होगी जो आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। तो हमने कहा कि ये जनरल कंडीशनल लूप का ही, इसको आप समझे एक सब स्पेशल केस है। तो कंडीशन यहाँ पे कोई भी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन आपकी एप्लीकेशन क्या है। अच्छा, इफ द इवेंट कंडीशन बिकम्स ट्रू देन सेट फ्लैग टू ट्रू। ये देखें, पहले हमने इसको जीरो किया हुआ था, अब हमने इसको वन कर दिया, यानी टॉगल कर दिया, ठीक है। और साथ ही हमने ब्रेक कर दिया, यानी आप इधर से जो है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, लाइन नंबर 8 पे, ठीक है। और बाहर आके आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन डिपेंडिंग अपॉन फ्लैग वैल्यू। इफ फ्लैग इज ट्रू देन टेक एक्शन वन, एल्स टेक एक्शन टू। अब अगेन ये एक्शन वन और एक्शन टू भी एप्लीकेशन स्पेसिफिक हैं कि आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे थे इस प्रोग्राम के अंदर। सो मेरा ख्याल है कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल इसकी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम विच कैन डिटरमिन वेदर एन इनपुट इंटीजर इज ए प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है। सो ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम काफ़ी पॉपुलर है प्रोग्रामिंग के अंदर। सो प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ले लें। प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड बाई वन एंड इट सेल्फ, ठीक है। सो वी कैन चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, जो नंबर भी इनपुट हुआ है, तो हम उसको किसी और नंबर, बाकी किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया तो हम चेक करेंगे। अगर वो डिवाइड होता है तो फिर ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होता, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, फिर वो प्राइम नंबर है। सो इसका एल्गोरिदम थोड़ा सा इस तरह का होगा कि लूप फॉर आई फ्रॉम टू टू एन माइनस वन, यानी एन से ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब एन पे भी, एन को भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एन पे तो डिवाइड होता ही है। हमने चेक करना है टू से एन माइनस वन तक। वन पे भी वो डिवाइड होगा, जरूर होगा, एन पे भी वो डिवाइड होगा, बट प्राइम नंबर की ये कंडीशन नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन है अपने और वन के अलावा किसी पे भी डिवाइड ना होता हो, ठीक है। तो हमने टू से एन माइनस वन तक जाना है और क्या करना है, एंड वी हैव टू चेक इफ एन, एन इज योर इनपुट नंबर जो आपने इनपुट किया है, इफ एन इज डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम टू टू एन माइनस वन, ठीक है। अगर तो किसी भी नंबर पे हो जाता है डिवाइड, देन नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा फिर, अदरवाइज इट्स अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये इसका मोटा सा एल्गोरिदम है। और बाय द वे, थोड़ी सी इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी कर लेते हैं। आप ये नोट करें कि वी डोंट नीड टू गो अनटिल एन माइनस वन, इसके बजाय इसके हम एन एन बाय टू तक ही जाएं तो जो है वो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एन बाय टू के आगे तो फिर देखिए, एन बाय टू तक अगर आप करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करके टू आ सकता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि हाफ पे वो डिवाइड होता है, उससे आगे चले जाएंगे तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट्स से 20 है, तो 20 का जो मैक्सिमम फैक्टर हो सकता है वो जो है वो 10 हो सकता है। 10 से ऊपर तो फैक्टर उसको हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 है, 11 तो 11 इंटू टू 22 बन जाएगा। मिनिमम 2 पे ही वो डिवाइड हो सकता है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके वो आ सकती है वैल्यू। तो बहरहाल इसको हम एन बाई टू तक चेक करें तो फिर भी हमारा काम चलेगा। तो आगे जो एग्जाम्पल कोड होगा उसमें हम यहीं तक जाएंगे। ओके, ये जो हमने एल्गोरिदम डिस्कस किया है, इसको हम पहले विदाउट यूजिंग फ्लैग इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यूजर से नंबर इनपुट करवा रहे हैं, और हम यहाँ पे विदाउट यूजिंग फ्लैग इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद यूजिंग फ्लैग इंप्लीमेंट करेंगे, और फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम किस तरह से डिफरेंस है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, हमने ये नंबर इनपुट करवा लिया और हम टू से एन बाय टू तक जा रहे हैं, ठीक है। जो आपका ये आई है लूप कंट्रोल वेरिएबल, टू से एन बाय टू तक जा रहा है। ये तो आपके सिंपल काउंटर कंट्रोल लूप की कंडीशन होगी, लेकिन इसमें और कंडीशन भी है कि जो है वो हो सकता है कि आप एन बाय टू तक चले जाएं और वो डिवाइड ना हो, ठीक है। इन दैट केस आपका आई एन बाय टू तक चला जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका ये जो एन है ये आई के साथ कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाए, ठीक है। वेयर एन इज योर इनपुट नंबर, लेट से आपने 20 इनपुट किया हुआ है और आई आपका 2 है, तो एन रिमाइंडर 2, ठीक है, 20 रिमाइंडर 2, यहीं पे वो इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहीं से फिर बाहर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंड है दोनों के दरमियान, तो दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये आप इधर से बाहर आ गए, या ये भी हो सकता है कि लेट से आपने 5 इनपुट किया है, ठीक है। तो 5 के केस में ये आप चेक करेंगे, ओके, 2 से शुरू हुए, 2 लेस देन एन बाय 2 क्या है, 3, ठीक है, ये 3 आएगा,
थ्री है या टू है, व्हाटएवर, बहरहाल हम ये इसको थ्री समझते हैं, ये थ्री तक जाएगा, ठीक है। तो चेक किया क्या फाइव टू पे डिविजिबल है, नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फिर आप आगे चलेंगे, ठीक है, अगली आइटरेशन में ये होगा। अच्छा बाय द वे अंदर इसके कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपकी लूप की कंडीशन कम्प्लेक्स हो गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, लूप के प्रोग्राम ये कुछ इस किस्म का है। आगे हम देखेंगे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग फ्लैग, तो फिर आपकी अंदर भी लूप की प्रोसेसिंग हो रही होगी, ठीक है। एनीवेज तो फिर इसी तरह से थ्री आया, फाइव रिमाइंडर थ्री, वो भी जीरो नहीं है, ठीक है। फिर आपका ये जो है ना ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बाहर आके मसला ये है कि आप हो सकता है इस वजह से बाहर आए हो सकता है आप इस वजह से बाहर आए हो, दो कंडीशन है ना, तो जो है वो आपको नहीं पता कि आप जो है वो इस कंडीशन की वजह से बाहर आए हैं या इस कंडीशन की वजह से बाहर आए हैं। तो यहाँ पर आके आपको चेक, अब आपने डिस्प्ले करवाना कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसमें ये है कि अगर तो आपका जो है वो लूप पूरी एड्रेशन चली हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है, पूरी एड्रेशन चली हैं, कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो फिर प्राइम नंबर हुआ, अदरवाइज फिर वो अगर पूरी अगर वो इसकी वजह से कहीं जो जो दूसरी कंडीशन है इसकी वजह से कहीं बाहर आया, तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी एड्रेशन नहीं चली थी, उससे पहले ही कहीं पर जो है वो डिवाइड हो गया ये, तो आप यहाँ से फिर बाहर आ गए, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल डिस्प्ले दैट इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, तो वो आपने कैसे करना है, वो आपकी ये कंडीशन बन रही है, जो ये कंडीशन है ना पहली वाली, ठीक है, ये जो पहली वाली कंडीशन है उसी को रिवर्स किया हुआ है, ठीक है। यानी आई आपका एन तक अगर पहुंच गया है, ग्रेटर देन एन बाय टू का मतलब ये है कि एन बाय टू तक अगर पहुंच गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है, किसी पे भी वो डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपने देखा कि विदाउट यूजिंग फ्लैग प्रोग्राम काफी कम्प्लेक्स हो गया, इसकी कंडीशन भी कम्प्लेक्स हो गई है, और बाद में जाके फिर आप ये कंडीशन आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ये भी फिर आपको याद रखना थोड़ा सा मसला है। तो अब आते हैं अपना जो फ्लैग कंट्रोल लूप का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, वो जेहन में रखें, और अब हम इसके सोल्यूशन यूजिंग फ्लैग पे आते हैं। तो ये सोल्यूशन यूजिंग फ्लैग है, हमने कहा कि फ्लैग कंट्रोल लूप के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, पहले फ्लैग को जीरो से या वन से इनिशियलाइज कर देते हैं, तो हम यहाँ पर जीरो से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि लूप के अंदर हम फ्लैग को टॉगल करते हैं, ये देख रहे हैं ये फ्लैग टॉगल हो रहा है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ठीक है, तो ये वो कंडीशन है। अब हुआ क्या है कि हमने एल्गोरिथम में ये डिस्कस किया कि हमने एक्चुअली टू से एन बाय टू तक जाना है, तो ये तो सिंपल वो काउंटर कंट्रोल लूप की तरह ही आप जो है वो टू से एन बाय टू तक जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमें यहाँ से निकाल दी है जिसको हम लूप के अंदर चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वो कंडीशन है जिसकी बेस पे आपका जो फ्लैग है वो टॉगल होना है, यानी अगर आपका जो नंबर इनपुट नंबर है वो करंट लूप जो कंट्रोल वेरिएबल है उसकी जो करंट वैल्यू है उसके साथ डिवाइड हो जाता है, दिस मीन्स के ये जो है वो डिविजिबल है, दिस मीन्स के आपका जो फ्लैग है ये आपने टॉगल करना है, इवेंट अगर हो गया ना, यानी प्राइम नंबर जो है वो अब नहीं रहा ये, ठीक है। बाय द वे इस जो फ्लैग है इसका नाम होना चाहिए मे बी इज नॉट प्राइम, ठीक है, यानी आप ये चेक करें कि ये ट्रू तब होगा जब आपका ये प्राइम नहीं है, यानी जब डिवाइड हो गया ना तो फिर ये जो है वो आपका टॉगल हो गया, यहाँ पे वन आ गया। सो उसके बाद आप ब्रेक करेंगे, यहाँ से बाहर आ जाएंगे, तो वही हमने कहा था कि आप लूप के बाद आके आपने फ्लैग की कंडीशन चेक करनी है, इफ इट इज ट्रू या इफ इट इज फॉल्स तो फिर जो है वो एक एक्शन लेंगे आप, इफ इट इज ट्रू तो दूसरा एक्शन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर ये लूप सारा चल जाता, ठीक है, फ्लैग आपकी शुरू में वैल्यू जीरो थी ना, अगर ये लूप सारा चलता है और ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती, लाइन नंबर 10 पे जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती, दिस मीन्स कि आपकी फ्लैग की वैल्यू जीरो थी और जीरो ही रही, चेंज नहीं हुई, तो इन दैट केस यू हैव टू डिस्प्ले द मैसेज डी इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी दरमियान में ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो फ्लैग है ये टॉगल हो जाएगा, दिस मीन्स के वो प्राइम नंबर नहीं था, वो डिवाइड हो गया किसी ना किसी नंबर से, तो फिर आप ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि डी इज नॉट, सॉरी इवन है, इट इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी, इसमें अब हुआ यह कि जब हमने फ्लैग यूज़ किया तो आपकी ये कंडीशन भी सिंपल हो गई जो लूप की कंडीशन थी, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन आप लूप के अंदर ले आए हैं, जो प्री मेच्योरली टर्मिनेट आप कर सकते हैं वो इस कंडीशन की वजह से हैं, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से, बाकी आपका जो लूप नॉर्मल है वो तो इस कंडीशन की वजह से टर्मिनेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसमें आपने करना ये है कि वी आर राइट अ प्रोग्राम विच जनरेट्स रैंडम नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है।
एक रैंडम नंबर उस प्रोग्राम ने जनरेट करना है और फिर इट विल नॉट टेल द यूजर कि वो नंबर क्या है एंड इट विल आस्क द यूजर टू गेस दिस नंबर, ठीक है, 1 से 100 में यूजर ने गेस करना है। यूजर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइज, तो मे बी 5 मरतबा, 6 मरतबा, 7 मरतबा ट्राई कर सकता है, लेकिन उसने गेस करना है। अच्छा, आप वो गैस के अगेंस्ट उसका आउटपुट क्या होगा? यूजर अगर लेट से गैस करता है 50, तो प्रोग्राम बताएगा कि जो आपने नंबर एंटर किया है एक्चुअल नंबर इज एक्चुअली लार्जर देन दिस नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आपका वो 50 से 100 की रेंज में होगा नंबर। फिर दोबारा वो एंटर करेगा तो मे बी उसने 80 एंटर कर दिया है, फिर आपका प्रोग्राम कहता है कि जी एक्चुअल नंबर इज लेस देन 80, ठीक है, मे बी उसने कहीं 65 जनरेट करवाया हुआ है, तो फिर इसका मतलब आपको पता चल गया कि वो 50 से 80 की रेंज में है, ठीक है। तो इस तरीके से वो करते करते आपने जो 6 ट्राइज के अंदर कोशिश करनी है कि उसको आप 6 ट्राइज जितनी भी ट्राइज हैं उसके अंदर आप उसको जो वो गेस कर लें, ठीक है। बाय द वे, इसमें आपने जो रैंडम नंबर्स जनरेट करवाने हैं इसके लिए जो है वो आप इस लिंक पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आपको जो इसकी थोड़ी सी थ्योरी मिल जाएगी कि रैंडम नंबर्स क्या होते हैं और कैसे जनरेट करवाते हैं सी के अंदर, ठीक है। तो ये एक कपल ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन वो कैसे लिखनी है वो उसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो आप यहाँ से जाके पढ़िएगा। तो अगले प्रोग्राम में यही यूज़ हो रहा है। सो ये वो प्रोग्राम है, इसमें जो है वो आप देख लें कुछ वेरिएबल्स हैं। गेस्ट, ये हमारा फ्लैग है जिसको हमने अभी फॉल्स वैल्यू दी हुई है। नम ट्राइज, अभी कितनी ट्राइज हो चुकी हैं, 0 अभी ट्राइज हमने की हैं। ये आपका जो ये जो वेरिएबल है नम ट्राइज, ये लूप के अंदर काउंटर के तौर पर यूज होगा, वो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। मैक्सिमम ट्राइज हमने 6 फिक्स की हुई है यहाँ पे। माई गैस, माई गैस वो वेरिएबल है जो हम इनपुट करेंगे गैस के तौर पर, ठीक है। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये मैंने आपको बताया कि वो जो पीछे लिंक आपको दिया है उस पर आप जाएं, वहाँ पे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये दो स्टेटमेंट्स जो है वो एक्चुअली रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100 जनरेट करवा रही है। कैसे जनरेट करवा रही है ये आपको वो पढ़ के आइडिया हो जाएगा। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये दो स्टेटमेंट चलने के बाद इस नम वेरिएबल के अंदर जो है वो 1 से 100 की रेंज में कोई भी रैंडम नंबर सेव हो जाएगा, ठीक है। ईच टाइम यू रन द प्रोग्राम ए डिफरेंट नंबर विल बी सेव्ड इन दिस नम वेरिएबल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ए रैंडम नंबर। ओके, अब उस प्रोग्राम कह रहा जी आई हैव सम नंबर इन माय माइंड तो गो गैस इट। तो आप अपना जो अब ये जो लूप है ये बार बार क्या कर रहा है, ये इसमें हो क्या रहा है कि वो कह रहा जी अच्छा जी एंटर योर गैस और आप अपना गैस देते हैं, ये इनपुट कर रहे हैं। अब चेक करते हैं कि इफ गैस इज इक्वल टू नम, अब ये वो कंडीशन है, ठीक है, ये आपकी वो कंडीशन है जिसको आप ट्रैक करना चाह रहे हैं कि क्या आपका जो गैस है वो जो सीक्रेट नंबर है उसके इक्वल हो गया है। अगर हो गया तो आपका ये गेस्ट जो फ्लैग है वो आप टॉगल कर देंगे, ठीक है। यानी पहले गेस्ट बाय डिफॉल्ट हमने 0 रखा है कि हमने गेस्ट नहीं किया अभी, और जैसे ही ये इसके इक्वल हो गया हमारा नंबर तो हमने फ्लैग को टॉगल कर दिया कि हाँ भाई हमने गेस्ट कर लिया है। सो उसके फौरन बाद हमने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद आप जो है वो बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप आगे देखें क्या हम कर रहे हैं, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। आप कह रहे हैं इफ गेस्ट, ये स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, इफ गेस्ट इक्वल्स डबल इक्वल्स 1, ठीक है, लेकिन छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि गेस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। आप ठीक है, अगर आप जब ये कंडीशन ट्रू होने के बाद बाहर आए हैं तो 1 मीन्स ट्रू, सी के अंदर 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 होगा तो कंडीशन ट्रू कंसिडर होगी और आपकी ये स्टेटमेंट चल जाएगी कि आपने जी इतनी नंबर ऑफ ट्राइज में अपने मुकम्मल कर लिया, ठीक है। ये नॉन ट्राइज वेरिएबल आप देख रहे हैं, साथ साथ हम काउंट कर रहे थे कि कितनी ट्राइज हो गई हैं, हर लूप इटरेशन पे हम इसको काउंट कर रहे थे। अदरवाइज फिर जो है वो अगर ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं होती, लेट्स से कि ये कंडीशन जो है वो अभी ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, फिर एल्स चलेगा। एल्स में आप क्या कह रहे हैं जी, इफ नम इज लेस देन माय गैस, यानी जो आपका जो सीक्रेट नंबर है अगर वो लेस देन हमारे गैस से छोटा है तो फिर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा कि नंबर इज स्मॉलर देन योर गैस, अदरवाइज डिस्प्ले होगा कि नंबर इज लार्जर देन योर गैस। तो इस मैसेज की बेस पे हमने जो है वो इंटरप्रेट करते जाना है और चलते जाना है आगे, तो अनटिल के वी कैन गेस ए करेक्ट नंबर, ठीक है। सो ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, फ्लैग कंट्रोल लूप की एप्लीकेशन। आप दोबारा से पैटर्न नोट करें कि ये जनाब आपका हमने लूप से पहले फ्लैग को 0 किया, ये लूप के अंदर इवेंट अकर हुआ, ठीक है, फिर हमने फ्लैग को टॉगल किया और फिर हमने ब्रेक किया आउट ऑफ लूप और फिर लूप से बाहर आके हमने जो है वो डिपेंडिंग अपॉन फ्लैग वैल्यू जो है वो एक्शन लिया है, ठीक है। ट्रू है तो एक एक्शन है, फॉल्स है तो दूसरा एक्शन है। तो ये दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल सी इन लॉट ऑफ एप्लीकेशंस।
ये कुछ और भी हैं एग्जाम्पल्स इसमें जो आगे हम चल के देखेंगे, लीनियर सर्च के अंदर हम जब इसको इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ये लीनियर सर्च के अंदर आगे हमने एरेज वाला टॉपिक पढ़ना तब हम ये डिस्कस करेंगे। फिर एक बबल सॉर्ट है वो भी एरेज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ये सॉर्टिंग का एल्गोरिथम्स है उसकी ऑप्टिमाइजेशन में ये यूज़ होता है। फिर फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ये भी है, इसको भी आप चेक कर लें ठीक है इंटरनेट पे। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन में फ्लैग कंट्रोल लूप्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी हमें यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको रेफर करूँगा कि आपने फ्लैग कंट्रोल लूप यूज़ करना है। इसका मतलब है कि आपने फिर वही जनरल स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा, यानी लूप से पहले उसको जीरो इनिशियलाइज करें, लूप के अंदर आप वो इवेंट ट्रैक करें, इवेंट अगर ट्रू होता है तो फ्लैग को टॉगल करें, और लूप से बाहर आके फिर आप एप्रोप्रिएट एक्शन लें बेस्ड ऑन फ्लैग वैल्यू। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट फ्लैग कंट्रोल लूप्स। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। अब हम कुछ कॉमन लूप ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे जो कि आपको ऐसी एप्लीकेशन जिनमें लूप यूज होते हैं वहाँ पे आपको बहुत कॉमन नजर आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, दीज आर द फाइव कॉमन ऑपरेशंस दैट आई हैव सिलेक्टेड, और भी होंगे इनके अलावा लेकिन ये जो मुझे ज़्यादा कॉमन नजर आए हैं वो मैंने यहाँ पे कंबाइन किए हैं ठीक है। सो आई एम जस्ट कॉलिंग देयर नेम फॉर द टाइम बीइंग, काउंटिंग लूप आइट्रेशंस, क्यूमुलेटिव सम, प्रोडक्ट, कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रीवियस वैल्यू, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर्स इन अ लिस्ट, एंड कंबाइनिंग मल्टीपल लूप टाइप्स। इनमें से जो है वो एक दो तो आप जो पहली दो हैं आज तौर पर ये तो आप देख भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम एक जनरल फॉर्मेट इनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी भी हम वन बाई वन देखेंगे, साथ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। काउंटिंग लूप आइट्रेशंस, ठीक है, आपको पता है कि एक जो काउंटर कंट्रोल लूप होता है इसमें आप एक्चुअली इसमें भी आप लूप की आइट्रेशन काउंट कर रहे होते हैं ठीक है, बट दिस इज अ कॉमन टास्क इन अ लूप टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं जिसमें आप इसको लूप काउंटर के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे होते लेकिन बहरहाल लूप की आइट्रेशन आप काउंट कर रहे होते हैं ठीक है। मे बी आपका लूप काउंटर कंट्रोल नहीं है लेकिन इवन देन यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स योर लूप हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। इसकी एग्जांपल अभी आप हम आगे देखेंगे। तो द काउंटर वेरिएबल इज इनिशियलाइज, इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है कि द काउंटर वेरिएबल इज इनिशियलाइज बिफोर लूप टू जीरो एंड इंक्रीमेंटेड इन ईच लूप आइटरेशन ठीक है। सो हर आइटरेशन के अंदर आप उसके अंदर एक एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं। व्हेन द लूप एंड्स द काउंटर वेरिएबल कंटेन्स द नंबर ऑफ टाइम्स लूप वाज एग्जीक्यूटेड। ये बड़ा सिंपल सा है, हम पहले भी इसको यूज करते रहे हैं। द काउंटर वेरिएबल इन दिस केस इज कॉल्ड एन आइटरेशन काउंटर। और यहाँ पे यही चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि नोट दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल ऑफ ए काउंट कंट्रोल लूप इज ऑल्सो एन आइटरेशन काउंटर ठीक है। मतलब जो काउंटर कंट्रोल लूप है उसके अंदर जो आप लूप आपको लूप कंट्रोल वेरिएबल होता है वो भी एक आइट्रेशन काउंटर ही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ठीक है। नॉट ऑल आइट्रेशन काउंटर्स आर लूप कंट्रोल वेरिएबल्स, जैसे हम आगे वाले एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें हमने जो है वो हम एक सेंट्रल कंट्रोल लूप चला रहे हैं। द कोड बिलो एक्चुअली रीड्स इनपुट करेक्टर्स फ्रॉम ए फाइल ठीक है। हम एज्यूम करें कि ये बैच मोड में हम रन कर रहे हैं। एंड इट कीप्स काउंटिंग अनटिल इट कम्स टू ए पीरियड। पीरियड मीन्स कि एक डॉट जब तक नहीं आता तब तक ये करेक्टर्स को वन बाई वन रीड करता रहता है ठीक है। सो ये स्कैन कर रहे हैं आप करेक्टर बाय करेक्टर ठीक है। एंड ये द कंडीशन इज वाइल इंचार इज नॉट इक्वल टू डॉट ठीक है। और ये आपका काउंटर है, देख रहे हैं आप, ये इसको लूप से पहले जीरो से इनिशलाइज कर रहे हैं, लूप के अंदर आप इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो है वो बाकी आपका जो सेंटिनल कंट्रोल लूप का एक जनरल फॉर्मेट है ये वही है पहला, और जो है ये इनिशियलाइजेशन और कंडीशन अपडेट स्टेप्स हैं। एनीवेज, तो बहरहाल देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो काउंटर वेरिएबल है इट इज़ नॉट ए लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल तो आपका जो है वो सेंटिनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ठीक है। मतलब जब तक आपके कंट्रोल वेरिएबल सेंटिनल वैल्यू के बराबर नहीं आ जाता तब तक आपका लूप चलता रहेगा। सो जो ये काउंट है यहाँ पे सिर्फ आइट्रेशन काउंट के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो जो से लूप से जब आप बाहर आएंगे तो जितने करेक्टर्स आपने रीड किए होंगे वो इस काउंट के अंदर पड़े होंगे। ये वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सारा सेंट्रल कंट्रोल लूप है, लेकिन इसमें हम काउंट को लूप कंट्रोल वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर रहे बल्कि काउंटिंग के लिए सिर्फ यूज कर रहे हैं।
कि ये दूसरा जो कॉमन लूप ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, ये भी हम पहले एग्जांपल्स में देख चुके हैं। सो इसमें जो है वो आप क्यूमुलेट करते हैं सम ओवर लूप इटरेशंस। इस क्यूमुलेट करने से क्या मुराद है कि आप एक सम वेरिएबल है जो शुरू में इनिशियली ज़ीरो होता है, उसमें आप कोई वैल्यू ऐड करवाते हैं एट ईच लूप इटरेशन। सो व्हेन द लूप एग्जिट्स, तमाम जो आइटेशन के दरमियान दौरान जो आपने उसको वैल्यूज दी होती हैं वो सारी उसमें जमा हो चुकी होती हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर जो है वो पैटर्न है। इसी तरीके से ये चीज़ प्रोडक्ट पे भी अप्लीकेबल होती है। तो हम यहाँ पर इसका देखेंगे कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। तो जनरल पैटर्न कुछ इसका इस तरह से है कि बिफोर लूप आप इनिशियलाइज करते हैं सम वेरिएबल को ज़ीरो से। ये मैं अभी सिर्फ क्यूमुलेटिव सम को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल इसी तरीके पे जो है वो होगा विद ए लिटिल बिट डिफरेंस। सो इनसाइड लूप आप क्या करते हैं, रीड द एक्यूमुलेशन वैल्यू। ये रीड आप कहाँ से करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशन। मे बी आप एंड फाइल कंट्रोल लूप यूज कर रहे हैं तो आप फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं। मे बी जो है वो आप यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाते जा रहे हैं एट ईच लूप आइटरेशन। इसके अलावा भी हैं कुछ एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करके आप ये कर सकते हैं, वो बहरहाल हम इन फ्यूचर देखेंगे। सो प्लस आप लूप के अंदर क्या करते हैं कि ऐड द एक्यूमुलेशन वैल्यू जो भी अभी आपने रीड की है टू सम, ठीक है, उसको सम में ऐड करें, जो करंट सम वैल्यू है उसमें ऐड करें और सेव बैक इन सम, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपकी सम वैल्यू अपडेट हो जाती है। तो ये काम आप करते रहते हैं लूप के अंदर, इनसाइड लूप ये काम आप करते रहते हैं बार बार, अनटिल के जब आपका लूप एग्जिट होता है तो जो वेरिएबल सम है इट कंटेन्स दी एक्यूमुलेटेड सम, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रोडक्ट वाला पैटर्न है इसमें जो है वो आप इनिशियलाइज, डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएबल लेते हैं जो कि इनिशियलाइज आप वन से करते हैं। यहाँ पे आपने जीरो से इनिशियलाइज किया था सम के अंदर, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट के अंदर वन से इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन वैल्यू आप जो है वो रीड करेंगे। अब ये एक्यूमुलेशन वैल्यू आप जो रीड कर रहे हैं ये मल्टीप्लाई होगी, ये ऐड नहीं होगी बल्कि ये मल्टीप्लाई होगी विद द प्रोडक्ट और सेव बैक इन द प्रोडक्ट, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये सम वाले पैटर्न में देखा। और जब लूप एंड होगा तो प्रोडक्ट वाला जो प्रोडक्ट वेरिएबल जो है इसके अंदर आपकी ओवरऑल जितनी वैल्यूज आपने रीड की हैं उनकी प्रोडक्ट इसके अंदर सेव हुई होगी। सो ये भी काफ़ी कॉमन है, सम और प्रोडक्ट तकरीबन सिमिलर ही हैं, तो इसलिए ये भी मैंने जरूरी समझा कि ये भी आपसे डिस्कस कर लूँ, ठीक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग ट्रैक ऑफ ए प्रीवियस वैल्यू। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि सम टाइम्स ड्यूरिंग अ लूप आइट्रेशन, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन के अंदर वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करते हैं एंड रिकॉल इट इन द नेक्स्ट आइट्रेशन। यानी ये जो करंट वैल्यू हमने चेंज की है ये नेक्स्ट आइट्रेशन में हम रिकॉल करना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट आइट्रेशन में हम कहीं यूज करना चाहते हैं, इसका मतलब है। और हाँ, अगले आइट्रेशन में भी ये वैल्यू चेंज हो रही है। सो दिस मीन्स कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज हो रही है, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें कि एक प्रोग्राम है जिसमें विच एक्चुअली काउंट्स दी नॉन इक्वल नॉट इक्वल ऑपरेटर्स इन ए फाइल दैट कंटेन सी प्लस प्लस कोड। यानी ये अब हम अगेन बैच मोड अज्यूम कर रहे हैं, बैच मोड में हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसको हम एक फाइल देते हैं इनपुट के तौर पर। तो वो फाइल में क्या है, वो उसमें एक्चुअली कोई सी प्लस प्लस या सी का कोड पड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें हमने काउंट करने उस कोड के अंदर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स कितनी बार आए हैं, ठीक है। सो अब इसमें हम करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं फाइल को। तो इसका मतलब है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि एक मरतबा आपने ये रीड किया तो अगली मरतबा ये साथ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, यानी हम कह रहे हैं कि मे बी करंट जो है वो आपने अगर ये इक्वल रीड किया है तो प्रीवियस जो हमने रीड किया हुआ वो नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल नॉट वाला ये ऑपरेटर अगर रीड हुआ था तो इसका मतलब है कि ये आपका वो नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर बन रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको दोनों का ट्रैक रखना जरूरी है, करंट आइट्रेशन का भी और प्रीवियस आइट्रेशन का भी। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ टू मोस्ट रिसेंट करेक्टर्स, करंट जो आपने रीड किया है और जो प्रीवियस आपने रीड किया, ये दोनों आपने जो है वो ट्रैक रखना है इन दोनों का। इन ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप ए न्यू करंट वैल्यू इज रेड, ठीक है, यानी करंट वैल्यू अपडेट हो जाती है हर जो है वो लूप आइट्रेशन के अंदर। एंड द ओल्ड करंट वैल्यू, अब ओल्ड करंट वैल्यू से मेरा क्या है, जो पिछली लूप आइट्रेशन में थी, इट बिकम्स द प्रीवियस। अब ये करंट और प्रीवियस दो वेरिएबल्स हैं, उस टर्म्स में बात हो रही है। तो जब हम न्यू करंट वैल्यू रीड करते हैं तो जो पुरानी करंट वैल्यू है, यानी कि जो पिछली लूप आइट्रेशन में आपने रीड की थी, वो आप प्रीवियस में सेव कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सो दैट के आपके पास एक वक्त में करंट और प्रीवियस दोनों में वैल्यू मौजूद हो, ठीक है, दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हो। तो
की आगे कोड एग्जांपल भी आएगी, वो भी हम देखेंगे। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है इस किस्म के लूप का, जो इस किस्म की एप्लीकेशन हो उसमें आप करते क्या है कि लूप से पहले आप करंट और प्रीवियस दोनों वैल्यूज रीड कर लेते हैं, यानी दो मरबा आपने रीड करना है, ठीक है। एक मरबा आपने एक वैल्यू रीड की उसको आपने प्रीवियस कह दिया, उससे नेक्स्ट स्टेप में अगली वैल्यू रीड की उसको आपने करंट कह दिया, ठीक है। अब ये दो वैल्यूज रीड हो चुकी हैं, ठीक है। देन व्हाइल द लूप कंडीशन इज ट्रू, अब ये जो लूप कंडीशन है ये डिपेंड करती है कि कौन से टाइप का लूप है, एनफाइल कंट्रोल्ड है तो यहाँ पे वो इनपुट स्टेटस चेक होगा यूएफ है या नहीं, अगर सेंटिनल कंट्रोल है तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू चेक होगी। बहरहाल ये लूप की टाइप के मुताबिक होगा। फिर प्रोसेस करंट वैल्यूज, करंट और प्रीवियस वैल्यूज, ये भी एप्लीकेशन डिपेंडेंट है। जैसे ये जो पीछे वाले हमने एग्जांपल देखी थी नॉट इक्वल टू, जिसमें काउंट करना था, उसमें आपने प्रोसेस क्या करना है, दोनों को चेक करना है कि करंट क्या करंट इक्वल के बराबर है और प्रीवियस नॉट के बराबर है, इसका मतलब है कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो आप जो है उसको काउंट कर लेंगे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जाते जाते अब आपने जो करंट में जो इस वक्त सेव्ड है वो आपने प्रीवियस में सेव करवा दिया, ठीक है। अब ये वो जो लास्ट हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो ओल्ड करंट वैल्यू है वो हम प्रीवियस में सेव कर देते हैं और फिर नई करंट वैल्यू हम रीड कर लेते हैं। ये नई करंट वैल्यू आपकी वो लेट्स से अगर फाइल से डाटा आ रहा है तो वो आप इसको यहाँ पर नई करंट वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। तो एक वक्त में आपके पास जो प्रीवियस है और करंट है वो दोनों सेव हो रही हैं, ठीक है। अब इसको कोड में भी देखते हैं, ये वही है मतलब जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया है, ठीक है। ये वही चीज़ें सारी एक्सप्लेन हुई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। जैसे ये प्रोसेसिंग ऑफ करंट एंड प्रीवियस इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक, तो ये आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी हैं। ये कोड है जी, अब इसमें क्या है, आई एम अज्यूमिंग कि ये जो कोड है ये आप बैच मोड में चलाएंगे और बैच मोड में आप इसको वही सी प्लस प्लस या सी की कोड, सी की एक कोड वाली फाइल देंगे इनपुट के तौर पे, इनपुट रीडायरेक्शन वहाँ से हो रही होगी। सो ये आपने जो पीछे जनरल स्ट्रक्चर देखा उसमें हमने कहा था कि पहले हम प्रीवियस वैल्यू रीड करेंगे फिर हम करंट वैल्यू रीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वैल्यू रीड कर ली प्रीवियस वेरिएबल के अंदर और फिर जो नेक्स्ट करेक्टर रीड हुआ है वो हमने करंट के अंदर रीड कर लिया, यानी आप कह लेंगे फाइल के शुरू से आपने पहले दो करेक्टर्स रीड कर लिए हैं, जो पहला करेक्टर है वो प्रीवियस में पड़ा हुआ है, जो दूसरा करेक्टर है वो करंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और साथ ही हमने इनपुट स्टेटस भी सेव कर लिया क्योंकि ये आगे हमने लूप के अंदर चेक करना है कि हम कहीं एंड ऑफ फाइल में तो नहीं पहुंच गए। अच्छा, ये वही जो ईएफ कंट्रोल लूप का जनरल स्ट्रक्चर है वही है ये, ठीक है। तो ये आपका एक ईएफ कंट्रोल लूप है, एंड ऑफ फाइल कंट्रोल लूप है और ये आपकी वो प्रोसेसिंग है करंट और प्रीवियस की, जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक मैंने बताया था होगी। तो आप इसमें चेक करें कि प्रीवियस वाज, प्रीवियस के अंदर ये पड़ा हुआ है और करंट के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इक्वल्स, तो इसका मतलब है कि आप इसको काउंट कर लेंगे क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू इकट्ठा पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज फिर आपने क्या करना है, जाते जाते जो करंट वैल्यू है वो आपने प्रीवियस में सेव कर दी, ठीक है, वही जो मैंने पैटर्न आपको पीछे बताया, और फिर आपने नई वैल्यू रीड की करंट की, ठीक है, और जाहिर है आपने जो है वो स्टेटस भी सेव करना है सो दैट कि आप इसको इस लूप के अंदर दोबारा से चेक कर सकें। तो ये आपका जो प्रोग्राम जब चलेगा तो जितने भी नॉट इक्वल टू सिंबल आपकी फाइल के अंदर होंगे वो सारे काउंट हो जाएंगे, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन वेयर प्रीवियस वैल्यू इज ट्रैक्ड इज क्वाइट कॉमन। इसकी कुछ और भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे फर्ज करें जी आपने क्या करना है, अवॉइड कंजेक्टिव डुप्लीकेट इनपुट्स, यानी कि लेट्स से कि एक प्रोग्राम है जिसमें जो है वो आप इनपुट कर रहे हैं बॉलर का नेम, एक क्रिकेट मैच के अंदर बॉलर का नेम इनपुट कर रहे हैं हर ओवर के अंदर, ठीक है, कि अच्छा पहला ओवर किसने करवाया, दूसरा ओवर किसने करवाया, तीसरा ओवर किसने करवाया, तो इसमें दो इनपुट सेम नहीं हो सकती, ठीक है, नो टू कंजेक्टिव ओवर्स कैन बी डन बाय द सेम बॉलर, ठीक है। तो इसमें आपको करंट ओवर में जो बॉलर है वो भी नाम सेव रखना पड़ेगा और जो प्रीवियस ओवर में जो बॉलर था उसका नाम भी सेव रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन कंपेयर देम टुगेदर, और अगर कोई डुप्लीकेट नेम यूजर ने दिया तो फिर आप इसको जो है वो यूजर को इंटीमेट कर सके उस हिसाब से। इसी तरीके से डेरिवेटिव कंप्यूट करना, आपको पता है डेरिवेटिव में भी जो है वो फंक्शन की करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू यूज होती है, तो ये भी इसी किस्म की एप्लीकेशन है। काउंट वर्ड्स कंटेनिंग डबलिंग ऑफ अल्फाबेट्स, यानी आपकी जो लेट्स से अगर हम इसको फाइल एक इनपुट देते हैं उसमें कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है तो उस टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं जो कि जिनमें डबलिंग ऑफ अल्फाबेट हुई है, तो ये भी एक हो सकती है क्योंकि आप इसमें भी जो है वो करंट और प्रीवियस दोनों को मैच करेंगे, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब डबलिंग हुई है। एंड देर आर ए लॉट ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग एरेस एंड अदर वेरियस एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स, जो आपको डाटा स्ट्रक्चर्स का आपका कोर्स है वहाँ पे भी पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पैटर्न की। तो
एरेज के अंदर इसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह हम देखेंगे जब हम एरेज वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, ये भी एक बहुत पॉपुलर जो है वो कह लें कि लूप की एप्लीकेशन है। इसमें होता यह है कि कुछ एप्लीकेशन जो है वो ए लिस्ट ऑफ डाटा को प्रोसेस करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर्स, पहले भी आप देख चुके हैं कि फाइल के अंदर से आपने स्टूडेंट स्कोर्स रीड किया और उसको आपने एवरेज वगैरह ली, इस तरह के आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए उस पर। सो द लिस्ट ऑफ डाटा एलिमेंट्स मे बी रेड फ्रॉम ए फाइल इन इन बैच मोड, अभी आप इसको बैच मोड में फाइल से रीड कर लें कर सकते हैं, और बाद में हम जब एरेज पढ़ेंगे तो फिर आप इसको इंटरेक्टिव मोड में भी यूज कर सकेंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेसिंग ऑफ ए लिस्ट, हमने कहा कि लिस्ट जो है वो प्रोसेस करते हैं प्रोग्राम्स, तो उनमें से एक बड़ी पॉपुलर प्रोसेसिंग है इज टू फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम नंबर इन द लिस्ट। तो जो आपको जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम, सॉरी, आपको जो लिस्ट में आइटम्स दिए गए हैं उनमें से आपने मिनिमम या मैक्सिमम निकालने हैं, ठीक है। अब ये मिनिमम मैक्सिमम नंबर भी हो सकते हैं और इवन मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। स्ट्रिंग्स हमने अभी नहीं डिस्कस की, जब हम वो डिस्कस करें तो वहाँ पे आप जो है वो देख लेंगे कि वहाँ पे स्ट्रिंग के मिनिमम और मैक्सिमम होने का क्या मतलब है। एनीवेज, ये जनरल एप्लीकेशन है। सो बोथ प्रॉब्लम्स, ये जो मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने वाली दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, दे शेयर द जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रक्चर विच इज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। दोनों के अंदर यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अब ये जरा देख लें इसको, इसमें क्या है कि जी बिफोर लूप, अगर आपने लेट्स से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है एक लिस्ट के अंदर से, बिफोर लूप आप क्या करेंगे, सेट वेरिएबल मिन, ठीक है। ये मिन हम जो वो वेरिएबल रख रहे हैं जिसके अंदर हमारी मिनिमम वैल्यू सेव होगी, इसको आपने इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो वो आपने क्या करना है, द लूप शुड रीड ऑल लिस्ट आइटम्स वन बाय वन, एंड फॉर ईच लिस्ट आइटम आपने ये काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है लूप के अंदर, आपने Inside the loop you have to check if the list item is smaller than the variable min. ये जो min आपने min में जो value save की थी आपने, अगर जो current list item आप जब वो process कर रहे हैं loop के अंदर, अगर उससे छोटा है तो फिर आपने min को जो है वो update कर देना है, min is equal to current list item, ठीक है। यानी फर्ज करें कि आपने जो है वो आपकी लिस्ट है 1, 2, 3, तो जब आप पहला वेरिएबल रीड करेंगे तो min के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक है। min के अंदर 1 आ गया, उसके बाद आपने आगे से शुरू करना है। अब आप लेट्स से कि अगला जो आइटम है 2 है, उसके लिए आपने क्या करना है, अब उस 2 को आपने, अब वो आपका लिस्ट आइटम है, उसको आपने चेक करना है इफ़ इट इज़ स्मॉलर देन द वेरिएबल मिन। अब मिन के अंदर 1 पड़ा हुआ था तो ये तो स्मॉलर नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप मिन को नहीं छेड़ेंगे। बट इफ इट वॉज 1, 0, 3, अगर इस तरह का होता तो जो नई वैल्यू आई है वो 0 है विच इज स्मॉलर देन मिन, ठीक है, जो मिन में 1 पड़ा हुआ था, तो फिर आप क्या करेंगे, सेट मिन इज इक्वल टू करंट लिस्ट आइटम, वो जो करंट लिस्ट आइटम 0 है उस पर आप सेट कर देंगे, तो मिन में 0 चला गया। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप लूप आगे चलेगा ना, मिन जो है वो अपडेट होता जाएगा, अगर इससे भी कोई छोटी वैल्यू आएगी तो मिन के अंदर वो सेव हो जाएगी, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा कि आफ्टर लूप, जब लूप एग्जिट होगा, दी वेरिएबल मिन विल कंटेन दी मिनिमम आइटम इन दी लिस्ट, ठीक है। तो ये एक बड़ा जो है वो टिपिकल सा पैटर्न है। लार्जेस्ट नंबर अगर आपने फाइंड आउट करना है लिस्ट के अंदर तो उसका भी बिल्कुल यही पैटर्न है, उसमें भी आप शुरू इस तरह ही करते हैं, आप लेट्स से एक वेरिएबल मैक्स ले लेते हैं, उसको फर्स्ट एलिमेंट पे सेट करते हैं और इसी तरीके से लूप आप चलाते हैं जिसमें वन बाय वन आप ईच लिस्ट आइटम को प्रोसेस करते हैं। और कैसे प्रोसेस करते हैं, वो ये प्रोसेसिंग है कि आप चेक करते हैं इफ लिस्ट आइटम इज लार्जर देन, अब ये फर्क आया यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हमने कहा था इज स्मॉलर देन, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ लिस्ट आइटम इज लार्जर देन वेरिएबल मैक्स, तो फिर हमने मैक्स को अपडेट कर देना है ताकि हम मैक्स वैल्यू सेव करवाते जाएं। और इसका इफेक्ट ये होगा कि जब आपका लूप एंड होगा तो यहाँ पे आपका एक्चुअली यहाँ पे मिनिमम आना है, ये गलती से लिखा हुआ है, इट्स एक्चुअली सॉरी मैक्सिमम आना है यहाँ पे, तो द वेरिएबल यहाँ पे भी एक्चुअली मैक्स आएगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा, वेरिएबल मैक्स कंटेन्स द लार्जेस्ट आइटम इन द लिस्ट, ठीक है। तो ये इसकी अगली स्लाइड में हम एग्जाम्पल देखते हैं, कोड जब आप देखेंगे तो आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी ये एग्जाम्पल कोड है जो अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा है, जनरल फॉर्म देखी है, और इसमें हम इसमें से हम ये जो फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर उसकी जो है वो उसका कोड देख रहे हैं यहाँ पे। सो आई एम अज्यूमिंग ये जो प्रोग्राम है ये आप बैच मोड में रन कर रहे हैं। सो वी आर रीडिंग अवर लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए फाइल, ठीक है, तो उसमें मे बी इंटीजर्स पड़े हुए हैं, उनको हम वन बाई वन रीड कर रहे हैं नम के अंदर, ठीक है, और साथ हम इनपुट स्टेटस सेव करवा रहे हैं, हम यहाँ पे एंड फाइल कंट्रोल लूप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वही पैटर्न आ रहा है, और ये अगली वैल्यू इनपुट कर रहे हैं हम, ठीक है, और साथ साथ इनपुट स्टेटस सेव करवा रहे हैं, ये तो
ऐसे ही है जैसे जो है वो एंड फाइल कंट्रोल लूप का पैटर्न होता है। बाकी ये देखें आप स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नाम, जो पहले हमने वैल्यू हमने रीड करवाई थी उसके इक्वल जो है वो हमने वो स्मॉलेस्ट एक वेरिएबल है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, लेकिन एज्यूम के यहाँ पे वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा वैसे लिखा हुआ। सो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू नाम हमने पहली वैल्यू के इक्वल सेव करवा दिया, और फिर हमने जो है वो यहाँ पे जो है जो अगली वैल्यू रीड की है उसके साथ कंपेयर किया स्मॉलेस्ट को, अगर अगली वैल्यू छोटी है स्मॉलेस्ट से तो हमने वो अगली वैल्यू सेव करवा दी स्मॉलेस्ट के अंदर, ठीक है। सो ये वही पैटर्न है जो पीछे हमने देखा है, इसको हमने यहाँ पे अब कोड के अंदर भी देख लिया। तो जब ये लूप एंड होगा तो स्मॉलेस्ट के अंदर जो है वो मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी। तो आई इन्वाइट यू कि आप इसको किसी जो है वो डाटा दें इसको आप एक फाइल के अंदर और इसको बैच मोड में रन करें और फिर देखें कि इसमें वो स्मॉलेस्ट सेव कर रहा है या नहीं। ओके ये लास्ट जो है वो हमारी कॉमन लूप ऑपरेशंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल एक जनरल सी चीज़ है। मतलब इसमें हम ये हमने जो पहले जो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की हैं लूप्स की वो हमने सेपरेटली डिस्कस की हैं कि हाँ भाई एंड फाइल लूप कंट्रोल लूप इस तरह का होता है और इनपुट वैलिडेशन लूप इस तरह का होता है एंड सो ऑन। बट इन प्रैक्टिस मोर देन वन लूप टाइप्स कैन बी कम्बाइंड इन सिंगल लूप, ठीक है। एक लूप के अंदर मोर देन वन टाइप्स भी कम्बाइंड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल शो करता हूँ, ये जो है वो बेसिकली एक सेंटिनल कंट्रोल लूप है बट साथ ही ये जो है वो एंड फाइल कंट्रोल लूप भी है, ठीक है। इनमें से जो भी पहले आ जाएगा ये लूप एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम कर क्या रहा है एक्चुअली कुछ वैल्यूज इनपुट करवा रहा है, अब हम इसको बैच मोड में रन करेंगे तो ये जो है वो फाइल से वैल्यू रीड करेगा और साथ साथ वो स्टेटस हम सेव कर रहे हैं। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो ये है कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर मे बी सेंटिनल वैल्यू हम यहाँ पे -99 यूज़ कर रहे हैं तो मे बी वैल्यूज वहाँ पे पड़ी हैं 20, 90, 70 और फिर एंड तक जा रहे हैं आप और कोई सेंटिनल वैल्यू नहीं आ रही, आपकी फाइल एंड हो गई है, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी फाइल के अंदर कहीं 20, 70, 90 उसके बाद -99 आ गया, उसके बाद मजीद कुछ वैल्यूज भी हैं, ठीक है। सो इनमें से जो पहले आ जाएगा, अगर सेंटिनल पहले आ गया तो फिर आपकी वो इस कंडीशन की वजह से आप लूप से बाहर आएंगे। और कर क्या रहे हैं आप सिंपल ये वो एक्यूमुलेटिंग सम जब वाला पैटर्न है, आप सिर्फ सम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, बाकी वैल्यू रीड कर रहे हैं। और अगर तो सेंटिनल आ गया तो आपको लूप बाहर आ जाएगा, अगर सेंटिनल नहीं आई पूरी फाइल आपने रीड कर ली है नंबर आते जा रहे हैं तो फिर आपका एंड फाइल आ जाएगा वो इसकी वजह से बाहर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें आपने सेंटिनल कंट्रोल और इनपुट जो एंड फाइल कंट्रोल लूप है इन दोनों को कंबाइन कर लिया है, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि इन प्रैक्टिस जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो जनरल गाइडलाइंस आपने याद रखनी है कि इनपुट जो वो सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है उसका जनरल फॉर्म क्या है, एंड फाइल कंट्रोल लूप क्या है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, और बाकी जो डिफरेंट लूप्स हैं उनकी जनरल फॉर्म और उसके मतलब जो गाइडलाइंस हैं वो आपने जेहन में रखनी है। और इन प्रैक्टिस ये आप जो है वो जेहन में रखें कि इनको कंबाइन भी करना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन टाइप। सो दैट्स इट फॉर टूडे।